नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं आपके साथ जोहर सिंह। खबर अलीगढ़ से है, जहां एक महिला ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल महिला ने बताया कि गोंडा थाना में उसके पति के खिलाफ केस चल रहा है। कई महीनों तक थाने के चक्कर लगाने के बाद भी अब तक आरोपी पति की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। उसने बताया कि प्रदीप नाम के दरोगा ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। आपको बता दें कि महिला ने एसएसपी दफ्तर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। मैं अपने पति की शिकायत लेकर के आई हूं, उससे मेरा मुकदमा चल रहा है। 4 साल हो गए थाने जाती हूं, 5 महीनों से मैं चक्कर लगा रही हूं, लेकिन पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। और कल मैं दरोगा जी से, प्रदीप कुमार यादव दरोगा जी से मिलने गई, तो उन्होंने बड़ी बदतमीजी से पेश आए मेरे साथ और कह दिया जो कुछ कर सके तो कर ले, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं अरेस्ट नहीं करूँगा उसको। आप क्या चाहती हैं? जी, मैं उसकी अरेस्टिंग चाहती हूँ। तो क्या कहती है पुलिस अगर थाने जाती है तो? बार-बार थाने जाती हूँ तो बार बार कह देते हैं हो जाएगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। आज एसएसपी ऑफिस आई हूँ क्या? जी, एसएसपी ऑफिस आई हूँ, शाम मिले नहीं। उस दिन शाम मिले थे, उन्होंने कह दिया शाम को सस्पेंड हो जाएगा, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ है सब। मामला उधम सिंह नगर से है, जहां पुलिस ने एक 3 महीने के बच्चे के अपहरण का खुलासा किया है। यह अपहरण एक महिला ने ही किया था। दरअसल बच्चे के माता पिता के बयान पर पुलिस ने शिकायत दर्ज की और इसके बाद पुलिस की टीम ने सीसीटीवी कैमरे का चेक किया, जिसमें इसका खुलासा हुआ। आपको बता दें कि एसएसपी मंजुनाथ ने पुलिस टीम को इसके लिए इनाम देने की भी घोषणा की है। मामला नैनीताल से है, जहां जिला प्रशासन की पहल पर वास्तु कला और पुरानी परंपरा को जीवंत रखने के उद्देश्य से जीर्ण पड़े स्थानों का चयन करके उनके जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड परिवहन निगम महामंत्री लीला बोरा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए परिवहन निगम को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जिसे हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। अगली खबर लक्सर से है, जहां उच्च न्यायालय के तरफ से गठित एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के अध्यक्ष बीएस वर्मा और उत्तराखंड शासन में पंचायत राज सचिव ओमकार सिंह ने लक्सर ब्लॉक मुख्यालय पर आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में आए ग्रामीणों की लिखित और मौखिक रूप से की गई शिकायतों पर सुनवाई की। आपको बता दें कि इस दौरान पिछड़ा वर्ग आरक्षण मतदाता सूची के बजाय जनसंख्या के आधार पर आरक्षण व्यवस्था किए जाने की मांग की गई। खबर उत्तराखंड से है, NH 534 पर कोटद्वार दुगड्डा के बीच 5वें मील की पहाड़ियां नेशनल हाईवे के अधिकारियों के लिए नासूर बनती जा रही है। दरअसल हल्की बारिश में भी यहां की पहाड़ियां दरक कर हाईवे पर आ रही है, जिसके कारण मलबा हटाने में अधिकारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि गुरुवार को भी इसके चलते यातायात प्रभावित रहा। ये किलोमीटर 33 है जहाँ पर मलबा बार बार आ रहा है। यहाँ पर दरअसल कुछ बोल्डर ऊपर फंसे हैं, उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है, नहीं तो रास्ता सामान्यतः खुला है। केवल 20 मिनट के लिए ट्रैफिक को रोका जा रहा है, जिससे किसी जनहानि को से बचा जाए। क्या नाम है? अरविंद जोशी, अपर सहायक अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग धुमाकोट। मेरा नाम अर्जुन सिंह विष्ट है, मैं रिटायरमेंट आदमी हूँ डाक विभाग से, और ये इस सड़क की हालत तो लगभग कई सालों से यही है। और दूसरी बात है कि यहाँ इतना पीडब्ल्यूडी कुछ करता है, अब आता है तो उसके बाद पता नहीं 1 घंटा लगता है, कितना और रहना पड़ता है यहाँ। बुरी हालत है रोडों की। तो कहाँ जाना है आपने? मैंने डाडा मंडी जाना है। क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह बिष्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर लक्सर से है, जहां मेरठ के रहने वाले आयुष ठाकुर ने इतिहास रचने की तैयारी कर ली है। मवाना से चलकर आयुष लक्सर पहुंचे, जहां हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस यात्रा को लेकर हर कोई काफी उत्साहित नजर आ रहा था। खबर नैनीताल के हरिनगर क्षेत्र से है, जहां मूसलाधार बारिश के चलते हुए भूस्खलन में पीड़ित परिवार से मिलने नैनीताल विधायक सरिता आर्या, नगर पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी और जिला प्रशासन के अधिकारियों समेत भाजपा के कई कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भूस्खलन प्रभावित परिवारों को प्रशासन से मदद दिलाने का आश्वासन भी दिया। मामला उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर से है, जहां सरेआम सड़कों पर नाबालिग बच्चे बाइक दौड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जूनियर प्राइमरी से लेकर इंटर तक के बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अब लापरवाही बरतने वाले माँ बाप सतर्क हो जाए, क्योंकि परिवहन विभाग
परिवहन एक्ट के नियमों के तहत अब लापरवाह माँ बाप के ऊपर कानूनी कार्रवाई की तैयारी में जुट गई है। अगली खबर उत्तरकाशी के बड़कोट से है, जहां विभाग की लापरवाही से छोटी से लेकर बड़ी सड़कें बंद हो रही हैं। पानी की निकासी के लिए नालियां नहीं है, जिसके चलते पानी सड़कों पर ही बह रहा है। बता दें कि पीडब्ल्यूडी हो या फिर एनएच, दोनों ही विभाग के बुरे हाल है। मामला लक्सर से है, जहां एक तरफ पंचायत चुनाव को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, तो वहीं दूसरी तरफ अवैध कच्ची शराब का कारोबार करने वाले माफिया भी मुनाफा कमाने की फिराक में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर देर रात पुलिस ने गश्त के दौरान 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मेरे साथ अभी सिर्फ इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।